कल खंडवे दाली आ जाओ सेम चलो हसीम वो खंडवे ले ले सर सर ठहरो ओके डन नेक्स्ट हाँ ईसा भाई ईसा जल्दी आ जाओ ईसा भाई నుమాన్ తొమ్మిదాలు సార్ సార్ ఇద్దరు దేఖో లేదు దాల్ जगत्याल शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स के टीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों ने आज मजलिस में शमूलियत अख्तियार की है। मैं तमाम का खैर मुकदम करता हूँ और आज ना सिर्फ जगत्याल बल्कि पूरे मुल्क के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे जो मरकज़ी कायदीन जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं इससे मुतासिर होकर मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए सब हर तबके के लोग आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं तमाम जगत्याल की अवाम से ख्वाहिश करता हूं कि वो मजलिस के अंदर शामिल हो जाएं और इंशाअल्लाह हम आने वाले बल्दी इंतखाबात में एक तारीख बनाएंगे। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम यहाँ पर नुमाइंदे मुंतखब करते हुए इंशाअल्लाह शहर जगत्याल के हर वार्ड के अंदर हम जो भी मसाइल हैं उसको बहुसने खूबी अंजाम देंगे। मैं हमारे साबिका रुकने असम्बली टी जीवर रेड्डी साहब से भी कहना चाहता हूँ जिस तरह उन्होंने हमारे यहाँ पर जो मसाइल थे जिस तरह से अंजाम देना चाहिए था नहीं दे सके, जो ख़ासकर जो मुस्लिम शादी खाना है जो 30 साल तकरीबन 30 साल के बाद मुस्लिम शादी खाना तामीर हुआ लेकिन वो ऐसा हो गया कि मुस्लिम शादी खाना पोल्ट्री फार्म की तरह कायम हो गया हो। मैं हमारे जो मौजूदा एमएलए हैं डॉक्टर संजय कुमार साहब उनसे भी ख्वाहिश करता हूं कि आज एमआईएम की तायद और यहां की अवाम की तायद से आपको भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। आप 10 जनवरी मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं आप 10 जनवरी के मौके पर
आपने मुस्लिम शादी खाने का दौरा किया, वहाँ पर आपने ऐलान किया कि मुस्लिम शादी खाने के लिए 30 लाख रुपए मंजूर हुए। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आज तकरीबन 1 साल का अरसा होने आ रहा है, आज तक फिर मुस्लिम शादी खाने का तामीरी काम क्यों शुरू नहीं हुआ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज हमारे हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम कायदीन हम सब मिलकर मुख्तलिफ वार्ड्स में दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ की अवाम बीमार हो रही है, मुख्तलिफ वबाई अमराज फैल रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जिम्मेदार आप यहाँ के रुकने असम्बली है, आपकी जिम्मेदारी है, आप मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर वहाँ की अवाम से मुलाकात करते हुए वहाँ के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। हमने यहाँ पर 29 वार्ड के अंदर मस्जिद इस्लामिया के मुतसिल जो बड़ा नाला है उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की और JCB के ज़रिए से कई सालों से जो नाला साफ़ नहीं हुआ, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी नुमाइंदगी पर ज़िले कलेक्टर साहब डॉक्टर ए शरत साहब ने कमिश्नर बल्दिया से रवि कमिश्नर बल्दिया को हिदायत देते हुए JCB के ज़रिए वो नाला साफ़ किया गया। मैं हमारे MLA साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आज हमारे मस्जिद नफीसिया खलील 29-30 वार्ड के अंदर और 32 वार्ड के अंदर मस्जिद के मुतसिल जो बारिश की वजह से रास्ते पूरे ख़राब हो चुके हैं, उसके लिए मैंने खुद MLA साहब से ख्वाहिश की कि आप वहाँ पर CC रोड का नहीं तो मुरम का तो इंतज़ाम करें, लेकिन MLA साहब कहते हैं कि भाई मैं बारिश का मौसम है, अभी 2-4 दिन बारिश होने के बाद हम उसका काम अंजाम देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अब 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके बाद कैसा काम करेंगे आप? आज ये उर्दू भवन उर्दू घर है जिसके अंदर एक कंप्यूटर सेंटर कायम है, एक लाइब्रेरी कायम है, इतनी बिल्डिंग है जो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर पूरा क्या बोलते पूरी सीमेंट उसकी गिर रही है और वो बोसीदा हो रही है, उसके अंदर आप हमारे यहाँ के जो रियासती वज़ीर हैं जो इस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, हल्के असम्बली धर्मपुरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ज़रिए आप नुमाइंदगी करते हुए ये जो कंप्यूटर सेंटर है उसको अपग्रेड कराइए। पूरे रियासत के अंदर 40 कंप्यूटर सेंटर हैं जिसमें 18 कंप्यूटर सेंटर अपग्रेड हुए, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे एडवांस कोर्सेस करना चाहते हैं, आप ये कंप्यूटर सेंटर को अपग्रेड कराते हुए हमारे नौजवान तबका तालीम याफ्ता जो हमारे लड़के लड़कियां हैं हम पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं तो हमारे बच्चों को हैदराबाद करीमनगर जाके कोर्सेस करना पड़ रहा है। हम आपसे ख्वाहिश करते हैं, हम एक उम्मीद के साथ आपको वोट दिए, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप यहाँ ये कंप्यूटर सेंटर को अपग्रेड कराइए और इसके अंदर जो भी हमारे मसाइल है इसमें आप हमारे वार्ड्स का दौरा कीजिए, हमारे वार्ड्स के अंदर वार्ड 32 के अंदर मोहरी का पानी मिलके वाटर सप्लाई हो रहा है उसके अंदर जो जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, आप वहाँ पर दौरा करते हुए आप जो भी मसाइल हैं उसको हल करिए। हमारी ख्वाहिश है आपसे, पिछली हुकूमतें जो करे हम एक उम्मीद से आपको वोट दिए, यहाँ की आवाम आपको चाह के वोट दिए कि भाई आप हमारे मसाइल को हल करें। हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि हमारे जो भी मसाइल हैं हम उसको आप बखूबी हल कीजिए और मैं जगतियाल के अवाम से ख्वाहिश करता हूँ, आपने हर पार्टी को वोट दिया है, एक मरतबा आप मजलिस बल्दिया के अंदर हमारे नुमाइंदों को मुंतखब करिए, इंशाअल्लाह हम ऐसी तारीख बनाएंगे, ऐसे मसाइल हर वार्ड को तरक्की दिलाएंगे और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ। आज हमारे मुख्तलिफ तबके के लोग भी हमसे मुलाकात कर रहे हैं और ताउन के वो लोग भी हमसे मजलिस में शामिल होने की हमारे से ख्वाहिश कर रहे हैं, हम उनका खैर मुकदम करते हैं और ये बता देना चाहता हूँ आइंदा बल्दिया इंतखाबात में इंशाअल्लाह हम मजलिस का झंडा लहरा के रहेंगे मजलिस बल्दिया के अंदर, हम मजलिस बल्दिया का परचम लहरा के रहेंगे। आज तक हमको ना सिर्फ महदूद कर दिया गया वाइस चेयरमैन बोल के, अल्लाह ने चाहा जिस तरह से जनता दल वहाँ पर कर्नाटक में जिस तरह से चंद रुकने असम्बली के जरिए रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर बने, इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ के हम मजलिस के उम्मीदवार कामयाब भारी अक्सरियत से कामयाब होते हुए इंशाल्लाह हम यहाँ पर बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे। और जगतियाल के अवाम से मैं कहना चाहता हूँ ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई मजहबी जमात नहीं है, कोई ये सब अवामी जमात है, हर तबके को लेकर तरक्की करना चाहती है, हमारी तारीख है, हमने पहला मेयर हैदराबाद का प्रकाश राव दलित को हमने मेयर बनाया, इसलिए मैं तमाम का मैं आपको इस्तकबाल करता हूँ, खैर मुकदम करता हूँ, आप तमाम शामिल हो जाइए इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में हम भारी अक्सरियत